छत्तीसगढ़ में पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं। हालांकि कांग्रेस इस बार भी पुरानी रणनीति आजमाती नजर आ रही है। पार्टी लगातार संभागी सम्मेलन कर रही है, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स दिए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड़ में आ चुकी है और यही वजह है कि एक के बाद एक संभागीय सम्मेलन किए जा रहे हैं। पहले जगदलपुर बस्तर संभाग का संभागीय सम्मेलन किया गया, उसके बाद बिलासपुर संभाग का सम्मेलन किया गया, इसके बाद में 11 को रायपुर और 13 को सरगुजा संभाग का सम्मेलन किया जाएगा। इस संभागीय सम्मेलन के जरिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, ये तमाम लोग बैठकर कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, पदाधिकारियों से बात करते हैं और जो रूट लेवल पर किस तरह के सुधार करने की जरूरत है आने वाले चुनाव को देखते हुए, इस पर बातचीत की जाती है और साथ ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। कांग्रेस का कहना है कि अभी संभागीय सम्मेलन के बाद में विधानसभावार सम्मेलन किया जाएगा और एक एक बूथ की जानकारी ली जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से पिछला चुनाव लड़ा गया था उसी तरीके से इस बार भी चुनाव की रणनीति होगी कि बूथ स्तर पर जो है वो किस तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूती से और लोगों से एकदम सीधे डायरेक्ट तौर पर कनेक्ट रहे। चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है। संभागीय सम्मेलनों के जरिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी कहां मजबूत है और कहां कमजोर। इन सम्मेलनों के जरिए सत्ता और संगठन में तालमेल की सीख दी जा रही है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की भी हिदायत दी जा रही है। बस्तर और बिलासपुर के बाद अब रायपुर और सरगुजा संभाग में बैठक होगी। बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन काफी चर्चाओं में रहा। इसमें भूपेश बघेल ने अजीत जोगी को याद किया। योगी जी कांग्रेस में थे जब यहाँ हम लोग सम्मेलन किए, लेकिन वो पार्टी छोड़ के गए और लोगों ने कहा जो पार्टी छोड़े तो हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनाने उनका योगदान, जो पार्टी छोड़ के नहीं जाते और अंदर में भीतर घात करके हमारा नुकसान होता है। सर आप बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खुली, आपको लगता है देश में जो परिस्थिति है उसको, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो चुनाव को जीतने के लिए भी आपको लगता है कि प्रेम का जो हथियार है वो काम आएगा? देखिए प्रेम इस देश की परंपरा है, कबीर के गीतों में देखें प्रेम, देखें गुरु नानक देव की बात है, सब आप हमारे नेता हैं, उन्होंने कभी नफरत के आधार पर आंदोलन नहीं किया, प्रेम की बात करते रहे, तो प्रेम से ही सबको जोड़ा जा सकता। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता में फिर वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है सरकार के कार्यों से कार्यकर्ता खुश हैं, उनमें ऊर्जा है। सरकार के काम और कार्यकर्ता ही चुनाव की रणनीति। हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उससे बहुत हमारे सभी कार्यकर्ता खुश हैं, उनमें ऊर्जा है और खास तौर से हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद, राहुल जी की मेहनत के बाद पूरे देश भर में एक नई लहर है और छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बने। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही वो नेता भी मैदान में आने लगे हैं जिनके चुनाव लड़ने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी। प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी सभी अटकलों को खारिज करते हुए चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। चरणदास महंत ने पार्टी के अंदर नाराजगी का भी जिक्र किया, कहा कि चुनाव से पहले सभी मतभेद दूर कर दिए जाएंगे। चुनाव में किस आधार पर टिकट दिए जाएंगे महंत ने ये भी बताया। उन्होंने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, जातिगत समीकरण, उम्र, अनुभव का ख्याल रखा जाएगा। तो लिया आ गया मैदान में, और क्या मैदान में आ गया मतलब क्या सोचा है सर इस बार? मैदान में हूँ, साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, सबको जिताएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आपने ये भी कहा था सर कि एक इच्छा जताई थी कि अगर मैं न लड़ूं तो बेटे के बारे में सोचा जाए। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा था कि मैं ऊपर वाले के निर्देश पर लड़ा था, उनका आदेश है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं फिर चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे सर, और कहां? मैं ये मानता हूं कि थोड़ी सी इनकम्बेंसी फैक्टर आया है, वो विधायकों में भी आया है, कार्यकर्ताओं में भी आया है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो अपने पास 4 साल का समय है, इन 4 महीनों में, 4 साल का नहीं, 4 महीनों में हम इसे ठीक करेंगे और हमारे क्षेत्र से सिर्फ छत्तीसगढ़ और मैं की बात नहीं करूंगा, यहां की बात करूंगा, यहां जो हमारे कारण थे, जो बीच बीच में दूरियां बढ़ी थी, उनको सबको भेदभाव मिटा करके हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बराबर टिकट के वितरण में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दें, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा, उम्र का ख्याल रखा जाएगा,
और जो लोग ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जो लोगों के पास अनुभव है, उनको आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस हाल के चुनाव में मिली जीत से उत्साह में तो है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की फिक्र भी है। ऐसे में सत्ता से लेकर संगठन तक लगातार जनता के बीच जाने के साथ ही पार्टी को भी एकजुट रखने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ज्यादातौर पर बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, बीजेपी भी अलग अलग तरीके से जो है वो कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रही है। चुनाव को काफी कम समय बच गया है और दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से जो है वो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन हो सके और चुनावी तैयारी हो सके। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।